आज था पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच, पर हमें उससे क्या, हमें उसमें कौन सा इंटरेस्ट था, क्योंकि नीदरलैंड में हम पहले जानते थे पाकिस्तान जीत जाएगी, तो उसमें कोई इंटरेस्ट ऐसा रहा ही नहीं है शुरू से ही मैच में, तो उसके हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग आज एक मेन टॉपिक की बात करेंगे, वो है कि शुभमन गिल जो है वो पहले मैच में शायद ना खेलें। क्यों ना खेलें ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो मैं हूं अभय और आ चुके हैं अपने चैनल एडियो छबे एडिट्स में। तो आज हम लोग बात यही करेंगे कि शुभमन गिल क्यों हुए बाहर, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी फ़नी वीडियोस और ऐसी कॉमेडी वीडियोस और कभी कभी इन्फॉर्मेटिव मिलती रहेंगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बस अपना इंट्रो लगाते हैं, अपनी प्रथा करते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज सुबह मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, न्यूज़ देख रहा था कि क्या न्यूज़ है क्रिकेट के बारे में, तो मेरी तभी नज़र पड़ी एक ऐसी न्यूज़ पे जिसको देखने के बाद मेरे मुंह से निकला, क्योंकि ये इतनी शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद है, उसके लिए इनको सेमीफाइनल में जाना पड़ेगा और उसके लिए इनको मैच जीतने पड़ेंगे, क्योंकि इनके मैच आसान नहीं है। पहला ऑस्ट्रेलिया खिला, दूसरा अफगानिस्तान, जो कि आसान टीम नहीं है। अफगानिस्तान को आप हल्के में ले रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि उनके पास राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीन उल हक, जिनसे बदला लेना है, वो सब है उनके पास, तो इतना आसान नहीं होगा उनसे लड़ना। तो और पाकिस्तान भी इजी टीम नहीं है, ये तो सब जानते हैं, कंपटीशन देती है, तो उनको अगर करना तो पहले शुरू के पहले मैच से ही जीतना पड़ेगा, और उसके लिए उनको शुभमन गिल चाहिए थे, क्योंकि शुभमन गिल हैं फॉर्म में, एकदम फटाक से अच्छी से फॉर्म, तो फॉर्म में थे। और लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि इनको एक मच्छर ने काट लिया। अगर हम 69 वाली लैंग्वेज में कहें तो कहें कि उनका एक मच्छर ने चूस लिया। सर मच्छर नहीं चूसते। अब मच्छर ने उनको काट लिया, तो बात ऐसी हुई कि वो मैच खेलते लेकिन मच्छर उनके साथ खेल गया और उनको हो गया डेंगू, जिसकी वजह से डेंगू उनके वो दर्द सब पूरे इंडिया को हो गया, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी थे, इस बार फॉर्म में थे, एकदम लग रहा था कि सब तो कह रहे थे वर्ल्ड कप में हाई स्कोर है, अब डेंगू हो गया। अगर पहले मैच में कह तो रहे टाइमली रिकवर हो सकते, अगर हो गए अच्छा है, वरना ईशान किशन खेलेंगे। वैसे ईशान किशन की भी अच्छी फॉर्म है, अब तक हर मैच में लगभग 50 मारते हुए आ रहे हैं पिछले, तो उनकी भी अच्छी फॉर्म है, इतना ख़राब नहीं है फॉर्म। लेकिन आप जानते हैं फिर शुभमन गिल गिल हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। अब बेचारे शुभमन गिल परेशान है, क्योंकि उनको सारा लोगों के कॉल आ रहे हैं। अरे ये क्या शुभमन गिल का कॉल, मदर पहन के मच्छर की मोटी तेरी सौदागर। तो गाइस इससे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डिटेल में गए तो हमारी डिटेल अब बिगड़ सकती हैं, आप जैसे सुन ही चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना, ये वीडियो छोटा था क्योंकि मुझे आपको बस इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए वो मैंने आपको दे दी। तो मैं फिर से वही कहूँगा कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा टारगेट 1.15K का मैं पिछले जन्म से कहता आ रहा हूँ, अभी तक हुआ नहीं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो वही बात है कि आप जल्दी से कर दीजिए ताकि मैं वो टारगेट कम्प्लीट कर लूँ। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।